राधे राधे मेरे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में हमारे ठाकुर जी को बहुत सारी पोशाकें चाहिए और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की डिमांड है कि मैम गर्मियों के कुछ नई नई चीजें बनाना सिखाएं। तो आज मैं आपको गर्मियों के लिए 2-in-1 सेट एक बनाना सिखा रही हूँ। जम्प सूट विथ फ्रॉक है दोस्तों, ये आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत आसानी से सिखाऊंगी आपको बनाना और आप बहुत जल्दी इसे बना लेंगे। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप बनाते हैं जो पोशाक मैं सिखाती हूँ, फिर उसकी फोटो मुझे व्हाट्सएप पर डालते हैं। मुझे सच बता रही हूँ, मेरा सारा जो मेरा मकसद है आपको सिखाने का वो मेरा पूरा हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट देते हो कि मैम आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके आपको सिखाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज ये जो हम ड्रेस बना रहे हैं ये 2-in-1 है, इसे दो तरीके से हम पहना सकते हैं। तो ये आज मैं 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। इसे आप जैसे मैं तरीका बताऊंगी उसे आप 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उसके लिए जंप सूट बनाएंगे। जंप सूट के लिए हम 5 नंबर के कान्हा जी का जंप सूट बना रहे हैं। ये हमने फैब्रिक देखिए ऐसे डबल कर लिया है और लगभग 9 इंची हम 4.5 इंची डबल में, लगभग 4.5 इंची हम डबल में ऐसे चौड़ा, और 3 इंची हम ये लंबा लेंगे। हमें 2.5 इंच जो नेकर है 2.5 इंच तैयार रखना है, 1/2 इंच में हमारी इलास्टिक आ जाएगी और नीचे हम पाइपिंग लगाएंगे, तो इसलिए हमने 3 इंची ही केवल इसकी लेंथ रखी है। इसको हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, हमने ये हमारे ठाकुर जी की कमर 4.5 इंची है सॉरी, और उसके लिए हमने 4.5 इंच लंबी ये इलास्टिक कट कर ली है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इलास्टिक को ऐसे करके एक सिलाई लगाएंगे, खींच करके यहाँ तक हम खींच करके सिलाई लगा देंगे पहले। अब इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ करके फिर से एक सिलाई लगा देंगे ऊपर। इस तरीके से डबल करके और यहां पर सिलाई लगा देंगे। ये हमने व्हाइट कलर की पाइपिंग काटी हुई है 1.25 इंची की, इसको ऐसे डबल करके मोड़ेंगे। ऐसे डबल मोड़ने के बाद में इसे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और उसके बाद पलट करके हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने ये पाइपिंग लगा दी है। कई बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं कुछ चीजें, तो पैनिक नहीं होना चाहिए उस समय, और उस हर चीज का सोल्यूशन है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा टांका खोला और ये पाइपिंग लगा दी। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ पहले। अब देखिए, इस सिलाई को हम सेंटर में ले लेंगे, जो हमने सिलाई लगाई है साइड से, ये हमारी स्कर्ट जैसी तैयार हो गई है। अब इसे हमें बनाना हमें नहीं कर है, तो अब क्या करेंगे, इसको सिलाई को है ना हम सेंटर में लिया, सेंटर में लेने के बाद में और ये लगभग 1/2 इंची का तिरछा निशान लगा देंगे और इसकी ये सिलाई कर देते हैं। ये वी बन गया हमारा, देखिए तिरछा, ऐसे करके ऐसे हमने ये वी बना दिया। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं पहले। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा दी ये। अब इसको क्या हम कट कर देंगे। इसको हमने कट किया और बीच में से पलटने के लिए बीच में से एक कट लगाना बहुत जरूरी है, वरना पलटने में झोल आ जाता है। ये देखिए, हमने थोड़े से 1-2 कट लगा देंगे यहाँ पे, ताकि हमें पलटने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, हमारा निकर बन के तैयार हो गया। अब इसको हम बेब लगाएंगे, क्योंकि हमें जंप सूट बनाना है, ये निकर नहीं बना रहे हैं हम, जंप सूट बना रहे हैं, तो इसमें पहले हम बेब बना लेते हैं। ये देखिए, बिब बनाने के लिए हमने 2 इंची लंबा और 2 इंची चौड़ा फैब्रिक लिया है और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें तिरछा कट कर देना है। ये देखिए, इसको सेंटर से हमने मोड़ा और मोड़ने के बाद में ऊपर से हमें थोड़ा सा कम रखना है, लगभग 1.5 इंची रखना है, और नीचे से हमें पूरा 2 इंची रखना है। हल्की सी कटिंग हमने यहाँ पर दे दी, ये हमारी बिब तैयार हो गई। अब इसको हम वाइट पाइपिंग लेंगे और पहले यहाँ पे ऊपर की साइड में हम व्हाइट पाइपिंग लगा देते हैं। अब है ना, यहाँ दोनों साइड से हम पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन ये पाइपिंग हम बड़ी लेंगे क्योंकि हमें पीछे बांधने के लिए भी डोरी लेनी है। देखिए, हमने बिब बना ली है, इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, एक मार्क कर लेते हैं सेंटर में, और इसको ये बिल्कुल सेंटर सिलाई के साथ में हम
अटैच करके और इसको हम फिट कर लेते हैं इसके साथ में, यहाँ एक सिलाई लगा करके इसको फिट कर देते हैं। हमारा जंप सूट बनकर, बिप सूट बनकर तैयार हो गया। आप, मैंने नीचे पाइपिंग लगाई है, आप इसकी जगह इलास्टिक भी लगा सकते हैं, इलास्टिक बना करके ब्लूमर बना करके उसमें भी फिट कर सकते हैं। साथ में पीछे बांधने के लिए हम फुंदने भी लगा सकते हैं, अभी मैंने नहीं लगाए हैं। चलिए इसके दूसरा ट्विस्ट जो है वो भी बना लेते हैं। चलिए अब हम इसका घेर बना लेते हैं। घेर बनाने के लिए 5 नंबर के कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं, तो 5 नंबर का कान्हा जी के लिए हम 5 इंची चौड़ा और 5 इंची लंबा ये घेर हम कट कर लेंगे। इसको ऐसे रखेंगे और ये स्क्वायर पीस हमारा कट हो जाएगा। बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, आप जो भी आप बनाएं तो प्लीज मुझे एक उसकी पिक जरूर क्लिक करके भेजिएगा। अब देखिए हमने ये बिल्कुल स्क्वायर पीस है, इसको हमने ऐसे बीच में से मोड़ा है। मोड़ने के बाद में इसको हम ऐसे बीच में से कट कर देंगे। ये देखिए हमने इसे बीच में से कट कर दिया। अब ये मैंने लेस ली है पतली सी, इस लेस को हम यहां से लगाना शुरू करेंगे, यहां से लगाना शुरू करेंगे और यहां से यहां तक और यहां तक तीनों साइड हम ये लेस लगा लेते हैं। देखिए इसको ऐसे उल्टा करके रखेंगे और यहां से 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहां से भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए और इसको हल्की सी गोलाई देते हुए ये कट कर देंगे। ये हमारे ठाकुर जी की पोशाक की कमर की कटिंग हो गई। इन दोनों को ऐसे ओवरलैप करके ये देखिए इसको ऐसे हम ओवरलैप करेंगे पास पास रख के और हल्की सी बस एक सिलाई लगा देते हैं, टांका मार देते। देखिए इसके बराबर का हम नेफा काट लेते हैं, ये गोलाई है इसी के बराबर का हमने ये नेफा काट लिया, इसे आधा इंची ज्यादा इसलिए काटा है, ये थोड़ा सा हमारा मुड़ने में जाएगा। इसको अब एक से दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद में इसको हम ये नेफे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा लेते हैं। ऐसे मोड़ा, इसको अंदर किया, नाड़ी की डोरी को भी अंदर डालेंगे हम और ये ऐसे मोड़ करके इस सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ये हमारी पूरी एक स्कर्ट टाइप से बन गई है। अब क्या करेंगे, हमें कभी ठाकुर जी को अकेला पहनाना है, बिप सूट अकेला पहनाना है तो इसको पहना देंगे, और कभी हमारा मन है नहीं हमें घेर भी पहनाना है तो आप घेर भी इसको पहले पहनाने के बाद में इसको इस तरीके से घेर भी पहना सकते हैं। तो मैं आपको ये ड्रेस पूरी पहना करके तब दिखाऊंगी ठाकुर जी को। अभी पहले हम इसके लिए कैप भी बना लेते हैं। कैप के लिए मैंने 4x4 इंची का स्क्वायर पीस कट कर लिया है, इसको हम गोल कट कर लेंगे। गोल कट करने के बाद में इसको हम चारों तरफ से ऐसे थोड़ा थोड़ा पतला पतला मोड़ देंगे। अब इस लेस को हमने लेस लिया, लेस को ये किनारे से इसके ऊपर लगा देंगे, जहाँ सिलाई हमारी ये चमक रही है उसी सिलाई के ऊपर ये लेस लगा देंगे हम। अब देखिए ये इलास्टिक लिए, इलास्टिक हम ठाकुर जी की जो हमारे सिर की गोलाई है उसके बराबर लेंगे। तो मेरे ठाकुर जी की गोलाई 4 इंच है तो 4 इंच की हम इलास्टिक कट कर लेते हैं। अब इसको हम इलास्टिक को यहाँ से लगाना शुरू करेंगे और खींचते जाएंगे और सिलाई से लगा देंगे यहाँ किनारे किनारे। ये देखिए हमारी 3 पीस में 2-in-1 पोशाक बनकर तैयार हो गई है। ऐसे हम अपने ठाकुर जी को आपको पहना करके दिखाते हैं अभी। और दोस्तों बहुत प्यारी बनी है और बहुत ही इजी है, इसे आप बहुत सिंपल तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं, पहना करके बहुत ही प्यारी लगती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।